नगर निगम का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन नगर निगम का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जब लोग त्राही त्राही मनाते हैं तो कहीं ना कहीं नरक का वो काम करता हुआ आ रहा है। अगर नगर निगम काम नहीं करेगा तो उसका नाम नगर की जगह नरक निगम हो जाएगा, ये कहना है साहिब सिंह गुज्जर का। क्या कुछ उनका कहना है, क्यों, किस समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। सर, क्या समस्याएं थी, नगर निगम अब नरक निगम क्यों बन गया? देखिए भाई साहब, नगर निगम को नगर निगम बनाने वाले ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग हैं जो उस नगर निगम को चला रहे हैं। यहाँ का मेयर, यहाँ का विधायक इसको नरक निगम बनाने के लिए जिम्मेवार है। मेरे साथी जो है पिछले 3 महीने से मात्र अपनी असेसमेंट को 200 गज से 250 गज 215 गज कराने के लिए, ठीक कराने के लिए फाइल लेके गए थे जगाधरी में ऑनलाइन, जिसको 2 बार रिजेक्ट किया गया। फिर मेरे पास आए, मैंने उसको ठीक करा के पूरी फाइल को लीगल डॉक्यूमेंट देके वहाँ से पास कराया, और उसके बाद साइन होने के लिए यहाँ आई थी फाइल। वो 1 महीने से 1500 चक्कर लगवा दिए, कभी कहते हैं ये कागज़ दो, कभी कहते हैं वो कागज़ दो, कभी कहते हैं मौका देखेंगे, कभी कहते हैं ये देखेंगे। लेकिन आज मजबूरन जब मैं यहाँ मिल के आया 3 दिन पहले, यहाँ का कोई अधिकारी सीट पे नहीं, मिलते नहीं, कहाँ मीटिंग में है जी, मीटिंग में है। अरे भाई, जनता के लिए मीटिंग जरूरी है कि जनता का काम जरूरी है? और यहाँ के मेयर को बताना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक को बताना चाहता हूँ, साहब तो हिमाचल के दौरे, अरे हिमाचल नहीं, वो वहाँ भी घूम गए, बैंकॉक भी घूम गए, वहाँ इंग्लैंड भी घूम गए, वो मैं सारे यात्रा इनकी जानता हूँ कहाँ कहाँ घूम गए हैं। और यहाँ का विधायक कहाँ घूम के आया, हिमाचल नहीं है ये, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं। और जहाँ भी घूम रहे हो, मेयर साहब कान खोल के सुन ले, इनका काम अगर कोई फाइल आपने 3 दिन के अंदर रिजेक्ट कर दी ना, तेरे को मेरा उसमें नहीं घुसने देंगे, और यहाँ के विधायक को नहीं घुसने देंगे। और जो आप मीटिंग करते हैं ना कि सारा दिन मीटिंग में, यहाँ का अधिकारी 10 बजे मीटिंग में, 11 बजे मीटिंग में, 3 बजे मीटिंग में, यदि आपने कोई मीटिंग रखनी है इनकी 4 बजे के बाद ले जाओ सारों को यहाँ से, और सारी मीटिंग आप पूरी रात करो, इनको दारू पिलाओ, खाना खिलाओ, लूटपाट का माल बांटो, लेकिन यमुनानगर की जनता के लिए मीटिंग का टाइम 4 बजे के बाद होना चाहिए। एक एटीपी पर भी मामला दर्ज हुआ है, कह रहे हैं मामला दर्ज, तो इनकी जांच हो जाए ना, सारों के ऊपर हो जाए मामले दर्ज, यहाँ के विधायक की ईडी की रिपोर्ट डाल, ईडी की रेट डलवा दो, उसके ऊपर मामला दर्ज हो जाएगा। मेयर के ऊपर ईडी की रिपोर्ट, ईडी डलवा दो, उसके ऊपर मामला दर्ज हो जाएगा। और मैंने तो आरटी लगाई हुई है, यहाँ के ईमानदार बताते हैं आरटी का जवाब दे दो, जितनी टाइलों की फैक्ट्रियां लगी हुई है ना इस सड़क के ऊपर, इनके बनाने वाले भी मेयर, इनके बनाने वाले भी विधायक, इनके टेंडर लेने वाले भी यही, और इनका पैसा खाने वाले भी यही लोग हैं। इसलिए मैं फिर चेतावनी देना चाह रहा हूँ, यहाँ यमुनानगर की जनता, अगर एक असेसमेंट को ठीक कराने के लिए 1500 चक्कर काटे की बात ठीक नहीं है। और बता रहा हूँ मेयर साहब, या तो सुधर जाओ, नहीं तो यहाँ का यमुनानगर की जनता, गरीब मजदूर और किसान आपको अच्छे से सुधारना जानते हैं। तो क्या कुछ कहा ऊपर अधिकारियों से? अधिकारी ने कहा, मैं उसके पास गया था, उन्होंने मुझे बुलाया, एक्शन साहब ने कहा जी आपकी समस्या वैसे बना रखे बिना वजह, पूरी समाज को सुना, और उन्होंने कहा तो बिना वजह लटका रखा आपने, अरे आपने अलार रिपोर्ट बना दी, आपने 200 से 215 गज करने के लिए 15 गज करने के लिए सबूत दे दिए, आपको सारे प्रूफ दे दिए, आप करते क्यों नहीं? कहने लगे जी मेरे को तो कहा ही नहीं करने के लिए। अच्छा, इसीलिए उन्होंने फिर दूसरे की ड्यूटी लगाई, तो भगवान शुक्र माने अगर ये काम हो जाए। अभी विधायक ने एक मीटिंग करी थी, उसमें वो भी कार्यकर्ता और वो भी अधिकारियों के काम से असंतुष्ट दिखाई दिए, उन्होंने भी फटकार लगे, क्या कुछ करते, सारी मिली भगत है सिर्फ जनता को दिखाने के लिए। विधायक की मर्जी नहीं है संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, मर्जी तो यहाँ की जनता की चलनी चाहिए, वो संतुष्ट है कि असंतुष्ट है। यहाँ का विधायक तो मीटिंग में बैठा रहता है, मेयर मीटिंग में बैठा रहता है, और कैमरे लगे हुए जनता के पास, इनकी मीटिंग के कैमरे अंदर होने चाहिए, स्क्रीन बाहर होनी चाहिए, पता लगे मीटिंग में कौन बैठा है और कौन क्या कर रहा है। ऐसे लोगों को जनता के लिए काम करने के लिए चुना गया है, ना कि मीटिंग करने के लिए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यमुनानगर की जनता इतनी डरपोक और कमजोर नहीं है। अभी तो नरक निगम यहाँ लिखा, सारी बिल्डिंग में जहाँ जहाँ इनके बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह नरक निगम लिखूंगा। और एक बात और भी, जो सड़क बनाने वाला ठेकेदार है, जब भी टेंडर दिया जाता है उसमें शर्त होती है कि उस ठेकेदार का नाम उस सड़क के ऊपर बोर्ड पर लिखा होना चाहिए, कितने में टेंडर लिया और क्या नंबर उस ठेकेदार का, ताकि एक आम आदमी फोन करा के उस टूटी सड़क को बनवा सके। उसका बोर्ड क्यों नहीं भाई, बोर्ड किसके लगे हुए हैं, मेयर और निशान लगा के इस तरफ, अरे मेरे पे तो क्या लेना, हमने मेयर बैंकॉक में जाए, मेयर थाईलैंड में जाए, मेयर हिमाचल में घूमे, हमें क्या लेना, हमें उस ठेकेदार का नंबर दे भाई,
जो सड़क बनाता है, जो हर गली के कोने को सड़क को बनाकर सीवर का काम करता है। क्या भारतीय किसान यूनियन ने भी इनको चेतावनी दे दी? भारतीय किसान यूनियन को मैंने कहा है कि 3 दिन के अंदर यदि इस फाइल को रिजेक्ट किया गया, मेयर और भारतीय किसान यूनियन के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और मेयर यहाँ घुस के दिखा दिए, इनका मुख्यमंत्री घुसने नहीं दिया था हरियाणा में जब आंदोलन चला था, यमुनानगर में आंदोलन चलेगा इनके खिलाफ, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे एक असेसमेंट बनाने के लिए 1500 चक्कर लगाओगे आप? आपको पता है प्रॉपर्टी आईडी में भी काफी धांधलीबाजी देखी गई थी, बुजुर्ग माताएं हैं उनकी जो है इनकम बढ़ा दी गई ताकि सरकारी गतिविधियों का लाभ ना उठा सके, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? इन भाजपा वालों के खून के अंदर धांधली है, इनका मिलावटी खून है, अंग्रेजों का खून इनके अंदर है, ये धांधलेबाजी तो इनके रगों के अंदर है, और यहाँ की जनता इनकी धांधलेबाजी भी निकालेगी, इनका खून भी साफ करने का काम करेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ का विधायक और यहाँ का मेयर और नगर निगम के जिम्मेदार व्यक्ति, यहाँ की किसी की असेसमेंट, कोई भी साथी अगर मेरी बात को सुन रहा है, यदि कोई पीड़ित है इस नगर निगम से किसी असेसमेंट को लेकर, भारतीय किसान यूनियन से मिले, पदाधिकारियों से मिले, 5 मिनट में बैठकर या तो फाइल पास करने का काम करेंगे, नहीं तो शहर छोड़ के भागने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से नगर निगम ये जो है लिख दिया गया था, और जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। तो जो भी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को बता दें कि नरक इसलिए बन जाता है क्योंकि समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और उस व्यक्तियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब मुस्लिम को दे दीजिए इजाजत, ताजतरीन खबरों के लिए बने रहे M24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।